सुल्तानपुर अस्पताल में जब मरीजों की भीड़ इमरजेंसी में ज्यादा होने लगी तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए डॉक्टर अपने बंगले पर पहुंच गए, लेकिन वहां उनके बंगले पर भी मरीज के तीमारदार जा पहुंचे और हंगामा करने लगे। तब CMS SC कौशल ने भारी पुलिस बल के साथ फिर इमरजेंसी पहुंचे, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। साथ ही मरीजों का हाल भी उन्होंने जाना। वही CMS संतुष्ट होते हुए ये भी कह रहे हैं कि किसी तरह इमरजेंसी को किस तरीके से हैंडल करना है ये हम जानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। तब जाकर डॉक्टर साहब अपनी कुर्सी पर बैठते हुए नजर आए। मामला काफी गंभीर हो गया था। इस बाबत जब CMS से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम तो जिलाधिकारी साहब के यहाँ गए थे, यहाँ कुछ मारपीट का माहौल बना हुआ था और डॉक्टर स्टाफ वहाँ से हट गया था। जब मैंने यहाँ कर देखा तो बहुत भीड़ थी और ऑक्सीजन ना होने के कारण मरीज तड़प रहे थे। जब उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ ऑक्सीजन लेने गई हैं और बिना ऑक्सीजन के मरीज कैसे ठीक हो पाएंगे, तो असहज नजर आ रहे हैं। मैं क्या करूँ, शासन प्रशासन का काम है, वो सब जान रहे हैं। तो जिस तरह से सुल्तानपुर अस्पताल की तस्वीरें सामने आई हैं, इससे वाकई ये कहना मुश्किल है कि मरीजों के लिए जो डॉक्टर्स अस्पताल में तैनात हैं वो कहीं ना कहीं घबराए हुए नजर आ रहे हैं। एक पेशेंट को हम लेके आए हैं, एक्सीडेंटल केस था, 8 बजे हम यहाँ लेके आए, मगर कोई वहाँ पे मतलब कुछ ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं, न पट्टी हुई, न मलहम, कुछ नहीं, न कोई ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं। डॉक्टर अपने कुर्सी पे मिले कि नहीं मिले, क्या कोई कुछ नहीं था, कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। हाँ, आधे घंटे तक, अभी एक घंटे तक टहले, कोई कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ पे। अब क्या पोजीशन है, अब क्या हुआ, मरीज को देखा गया कि नहीं? अभी भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा हॉस्पिटल से। क्या क्या कारण है डॉक्टर साहब, आपको छोड़कर यहाँ क्लिनिक, मतलब इमरजेंसी छोड़कर आपके पास, आपके कमरे पे चले? नहीं, मैं तो DM साहब के यहाँ था, मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे भीड़ भाड़ है, यहाँ पे पता चला उनके साथ साथ मारपिटाई की कोशिश की है, तो डर के मारे हो सकता है चले गए हों। डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन की भी कमी है इमरजेंसी में, क्या कब तक व्यवस्था हो पाएगी? और गाड़ियाँ गई हुई हैं, जब आ जाएंगी तब व्यवस्था हो पाएगी। तब तक ये मरीज तड़पते रहे, अब मैं ये वो प्रशासन अपने स्तर पर देख रहा है कि कैसे व्यवस्था हो रही है।